गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ मंदिर से। सब लोगों ने पूजा कर ली है, मैं हो गई हूँ थोड़ा सा लेट क्योंकि मुझे दोनों बच्चों को भी नहलाना होता है और घर के बाकी काम भी होते हैं। तो अभी सारा काम वाम कंप्लीट करके तो अब मैं करूंगी पूजा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट दिन, तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। माता रानी आप सब पर कृपा बना के रखे और सबकी मनोकामना पूर्ण करिए। तो चलिए अभी मैं करती हूँ पूजा और आपसे मिलती हूँ पूजा करने के बाद। पूजा मेरी हो गई है। लक्ष्मी का कर ले हो आप? ये क्या गलती है जी? क्या गलती है बाबू? आप जी तो पगला ही नहीं जा रहा है। देखिए गाइस, उससे उसे पकड़ना भी नहीं आ रहा है, लेकिन उसे पूजा करनी है। अच्छा, दादा को बजाने दो। और यहाँ पे गर्व भी कर रहा है आरती। देखिए गाइस, मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, दक्षित के हाथ में था संतरा। मैंने उसको बोला कि अभी थोड़ा वेट करो, मैं छिलके देती हूँ, बट उससे वेट नहीं हुआ। ये देखो कैसे खा रहे हो आप, ये कैसे खा रहे हो? ऐसे कौन खाता है? दिखाना तो एक बार गाइस को, दिखाना तो कैसे खाया। ये देखो गाइस, इसने ऐसे खाया है, बिल्कुल बंदर की तरह। मंकी हो आप? मंकी हो आप? मंकी हो? यस एंड नो, मंकी हो आप? ये देखो इसने कैसे खाया संतरा। कपड़ों की और इसकी हालत देखो जरा, कैसे खाया, कैसे खाया। छी छी, पूरा कुर्ता देखो तो कैसा हो गया। कुर्ता कैसा हो गया बाबू? कुर्ता अच्छा हो गया। चलो हैंड वॉश कराती हूँ अब। चलो चलो बाथरूम में चलो। देखा गाइस, इसने अपना पूरा कुर्ता जो है वो गंदा कर दिया है। तो चलिए अब मैं चेंज करती हूँ इसका कुर्ता। ये देखो गाइस, मेरे बेटे की शॉर्ट लगेगी तो लगेगी तो गई बो। अगर टीवी फूटा ना बाबू, फिर बताऊंगी। खुद नहीं गिरेगा माँ, देखो तो। नहीं देना इसकी बॉब। नीचे उतरो, नीचे खेलो, नीचे उतरो, कोई नहीं देगा। दक्षु गिर जाएगा बच्चा, बच्चा गंदा बच्चा गिर जाएगा। ये थ्रो कर रहा है ऊपर फैन में। नहीं लगा मैं नहीं दूंगी। अम्मा, अम्मा देगी? हाँ। नहीं दो अम्मा, क्यों दे रही हो? ये देखो, ये देखो इसके काम। स्पीड देख रहे हो मम्मी? लग जाएगी। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैं जा रही हूँ थोड़ा अपनी गली में, थोड़ा बहुत घर का सामान लाना है। और दक्षित भी घर में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो जा रहे हैं दक्षित, मैं और गवी। हेलो गाइस, चलो रख
दक्षित ने दो दो केजी के उठा लिए। देखिए मैं गर्व के डांस क्लास के लिए आई हूँ और यहाँ पे बड़ी बड़ी जो हमारी इससे पता चलता है कि सीखने की जरूर होना चाहिए। इवनिंग टाइम पे तो मैं थोड़ा सा अपने घर के पास वाले मार्केट में चली गई थी और अब मैं बना रही हूँ डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मेरे बेटे की फरमाइश है कि मम्मा मुझे आलू के गुटके और रायता खाना है, तो आज इसलिए डिनर पे बनेगा। ये आलू मैंने उबाल दिए हैं तो मैंने अभी छिलके रख देती हूँ, तो आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ आलू के गुटके और रायता। गैस में उबल रहा है दूध और जब तक उबलता है दूध मैं बना लेती हूँ रायता। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, हम सब लोग हैं छत में और इधर देखो बच्चा पार्टी ये रही और दिव्यांशी डाल रही है फूलों में पानी और हम लोग कर रहे हैं वॉकिंग। ये देखो गाइस हमारी स्ट्रॉबेरी और इतनी छोटी छोटी हो रही है, ये तो अभी पक्की नहीं है। ये देखो बाकी कितनी पक्की हुई है, तीन स्ट्रॉबेरी पक गई हैं, इसके हो जाएंगे तीन हिस्से। बच्चे तो चार हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरे उसमें भी हो रही है और अभी नहीं हुई है, ओनली थ्री हुई है, बाकी ये दो इधर पे हो रही है और इधर होने वाली है। और अभी एक है इधर स्ट्रॉबेरी का, देखते हैं इधर कितनी है वो। इधर ये दीपक मैंने बो रखा था, बाप रे इसने बो रखा था, पानी भी यही डालती है, तो इस वाले में देखते हैं हम कहाँ हो रही है। इसमें तो इस साइड हो रही है, कहाँ ये देखो एक ग्रीनी हुई है, अभी इसकी ग्रीनी हुई है। इसमें तो बहुत होती है, इस वाले में बहुत ज्यादा होती है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है। सब मेरे उसे चोर के खाते हैं, जब हो जाएंगे मैं फिर दिखाऊंगी आपको। खाना बन के हो गया है रेडी और मैंने सारे सब लोग को फैमिली को सबको खिला दिया है और अब है मेरी टर्न, तो अब मैं निकालती हूँ अपने लिए खाना। और जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि मैंने खाने पे बनाए हैं आलू के गुटके और रायता, तो चलिए मैं इसी में ले लेती हूँ क्योंकि बाकी सब लोगों ने तो खा लिया है। डिनर बन के हो गया है रेडी और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैंने बनाया है आलू के गुटके रायता और रोटी, तो दिन भर तो भूख नहीं लगी लेकिन अभी खाने को देख के मन कर रहा है फटाफट से खा लूँ, तो चलिए मैं खाती हूँ खाना। डिनर विनर हो गया है कंप्लीट और किचन का काम भी मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा लास्ट काम बचा हुआ है, बस मैंने गवी की स्कूल की ड्रेस को आयरन करना है, तो मैं इसकी ड्रेस को करती हूँ आयरन और उसके बाद मैंने करनी है वीडियो एडिटिंग। तो आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, थोड़ा ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कर देना और जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।